बॉलीवुड एंड साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा, जिन्होंने काफ़ी पॉपुलर मूवियों में काम किया और अब वो अपनी मैरिज के चलते चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दोस्तों, ये मार्च 2024 में बेहतरीन एक्ट्रेस पुलकी सम्राट से शादी करेंगी, तो इस वीडियो में बताएंगे एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है कीर्ति खरबंदा और निक नेम से इनको किट्टू कहते हैं। कीर्ति प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1990 को न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ और 2024 के हिसाब से आज इनकी 34 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन बेंगलोर कर्नाटका इंडिया है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वर्ल्ड विन गर्ल्स हाई स्कूल बेंगलोर से की और वहीं अपने सेकंड स्कूल की पढ़ाई बिशप कॉटन बोमेंट क्रिश्चियन लॉ कॉलेज बेंगलोर से की। साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज बेंगलोर से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, साथ ही साथ इन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है ज्वेलरी डिजाइनिंग में। दोस्तों, कीर्ति खरबंदा 1990 दशक की शुरुआत में अपने परिवार के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो गई। उनका बचपन इंदिरा नगर बेंगलोर में बीता। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। एक किड्स के रूप में वह कई सारे एड्स में दिखाई दी। शुरुआत में कीर्ति खरबंदा एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी, जिसके कारण उन्होंने उस क्षेत्र में डिप्लोमा भी हासिल किया। एक्टिंग कभी भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। स्पार्क बिलबोर्ड पर उनकी एक तस्वीर देखने के बाद एक एनआरआई डायरेक्टर राज पिपला ने उन्हें तेलुगु फिल्म बॉनी में एज ए लीड रोल के लिए साइन किया, जिसमें इनके अपोजिट थे सुमंत। फिल्म को नेगेटिव रिव्यू का सामना करना पड़ा, बट उसके बावजूद कीर्ति की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद कीर्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तेलुगु के अलावा कन्नड़ा हिंदी तमिल फिल्मों में भी काम किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू कन्नड़ा मूवी का नाम है चिरू, जो कि 2010 में आई है। इनकी फर्स्ट डेब्यू हिंदी मूवी का नाम है राज रिबूट, जो कि 2016 में आई थी। इनकी फर्स्ट डेब्यू तमिल मूवी का नाम है ब्रूसली, जो कि 2017 में आई थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी पॉपुलर मूवियों में काम किया, जिनमें से कुछ नाम हैं तीन मार, प्रेम आधा, गलाते, ओम 3D, गुगली, त्रिपाठी एक्सप्रेस, बैली, गेस्ट इन लंदन, शादी में ज़रूर आना, कार वन, बीरे दी बैडिंग, यमला पगला दीवाना फिर से, हाउसफुल 4, पागलपंती, 14 फेरे। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। और अब इनकी अपकमिंग मूवी है रिस्की रोमियो, और 2013 में उन्हें बेंगलोर टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वोमेन में 1 स्थान दिया गया। साल 2018 में कीर्ति खरबंदा ने डॉग्स एंड बिल्लियों की मदद के लिए एक एनजीओ में पार्टनरशिप ली। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको लॉयन गोल्ड अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए। साथ ही साथ इनको लोकमत स्टाइलिश अवार्ड मोस्ट स्टाइलिश रीजनिंग स्टार भी दिया गया। साथ ही साथ इनको साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी दिया गया। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनके फादर का नाम अश्विन खरबंदा है और इनकी मदर का नाम रजनी खरबंदा है, और एक इनके ब्रदर और एक सिस्टर भी हैं। इनके ब्रदर का नाम जवर्धन खरबंदा, जो प्रोफेशन से को फाउंडर हैं पेपर प्लान प्रोडक्शन के। इनकी सिस्टर का नाम इसीता खरबंदा है और इनके फ्योंसे का नाम पुलकी सम्राट है, जिनसे इनकी इंगेजमेंट 30 जनवरी 2024 को हुई थी और अब ये रिपोर्ट के हिसाब से 13 मार्च 2024 को मैरिज करने वाले हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको फोटोग्राफी कलेक्टिंग साड़ी एंड सूज काफ़ी पसंद है। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंचज। इनका आई कलर डार्क ब्राउन, हेयर कलर ब्राउन है और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर कर्नाटका में रहती हैं
और एक इनका अपना हाउस मुंबई महाराष्ट्र में भी है। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है रेंज रोवर। अब इनके इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 3 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करती हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 32 करोड़ रुपये है। तो ये थी कीर्ति खरवंदा की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।